हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ऑल इन वन निष्ठा चैनल में। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है करंट अफेयर पढ़ा था 1 जनवरी से लेकर लगभग 6 जनवरी तक का, तो 1 वीक का जो है हमारा करंट अफेयर्स उसमें कंप्लीट हो गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसके आगे के करंट अफेयर्स को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर जो आगे का करंट अफेयर्स है उस पर काम करेंगे। ओके, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें कंटिन्यूस, और इसको जो है आप वन लाइनर है सारे क्वेश्चन तो सुन सकते हैं इजीली। तो सुनने से क्या है, कुछ क्वेश्चन हमें याद रह जाते हैं, और हम अगर इसे 2-3 बार सुन लेते हैं इसको वीडियो को, तो जो है हमें काफ़ी सारे क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाता है। तो ये वीडियो जो है हम बेसिकली रिवीजन के लिए ही बना रहे हैं। तो जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं करंट अफेयर्स, उनमें सभी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो आपको पता है। तो जो करंट अफेयर्स है, कितना भी पुराना एग्ज़ाम हो या नया एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आता है। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से जो है इस पर जो है काम करें। ओके, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुने। तो लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में बाल संरक्षण एप पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया। तो किस शहर में हुआ, ये हुआ नई दिल्ली में। देखिए, राष्ट्रीय क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पर। अभी सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय जो भी गतिविधियाँ हुई हैं इस ड्यूरेशन में, तो इस हफ्ते में जो जनवरी का जो ये करंट अफेयर्स है, तो वो क्वेश्चन है। तो नई दिल्ली में जो है बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श जो है वो आयोजित किया गया था। तो 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में इस किस संस्था को एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, DRDO को। DRDO को जो है वो एग्जीबिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन, 10 जनवरी को नई दिल्ली में हुई व्यापार विकास व संवर्धन परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता इस मंत्री यानी कि किस मंत्री ने की। तो किस मंत्री ने की, ये की गई है सुरेश प्रभु द्वारा। ये जो है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं एवं उद्योग तथा नागरिक विमानन मंत्री भी हैं। ओके, सुरेश प्रभु जी द्वारा जो है 10 जनवरी को नई दिल्ली में जो व्यापार विकास व संवर्धन परिषद की चौथी बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की गई। फोर्थ क्वेश्चन है, इंडस फूड का आयोजन भारत के जो है किस शहर में किया गया। तो इंडस फूड का आयोजन भारत के ग्रेटर नोएडा में किया गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, रायसीना, एक मिनट फ्रेंड्स, है ना। ओके, तो रायसीना डायलॉग का चौथा संस्करण 8 जनवरी को भारत के किस शहर में शुरू हुआ। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रोजेक्ट गंगाजल का उद्घाटन करेंगे। अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पीएम जी प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, पीएम मोदी जी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है प्रधानमंत्री जो आगरा में जो है प्रोजेक्ट गंगाजल का उद्घाटन करेंगे किया। ओके, इन्होंने आगरा में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव वंडर वुमेन नाम का अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। किसने किया है ये लॉन्च, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है वे वंडर वुमेन नाम का अभियान लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ना। पहले ग्लोबल एविशन समिट जो है इसका आयोजन किस शहर में हुआ, तो मुंबई में हुआ। फर्स्ट ग्लोबल एग्जीबिशन समिट का एविएशन समिट का जो आयोजन है वो कहाँ के हुआ, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन। देखिए, कभी भी पूछा जाए अभी जो हाल ही में हुआ है भारतीय विज्ञान कांग्रेस, कौन से नंबर का, वो 106 यानी 106 जो है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाँ, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि जो विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन पंजाब के किस है, तो ये हमने पढ़ चुके हैं वैसे फ्रेंड्स, जालंधर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तीनों जो पिछले लोगों को सीधी भर्ती और उन उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी। तो 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जो है
सीधी भर्ती के लिए और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% की जो है आरक्षण देने की दिया जा रहा है, 10% किनको, सामान्य वर्ग के, केंद्रीय मंडल में सामान्य वर्ग के लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का अंतरिम बजट इस माह पेश किया जाएगा, कब किया जाएगा, फरवरी में करना है दोस्तों। देखते हैं फरवरी में कौन जो है बजट को पेश करता है। अभी जो है अभी तो बीमार चल रहे हैं जेटली जी, लेकिन बजट तो पेश होगा भाई, फरवरी में होना है इसको पेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य ने ACI के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आंध्र प्रदेश ने जो है ACI की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडेक्स में जो है फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। विजय माल्या का तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विजय माल्या एक नए धोखाधड़ी विरोधी कानून के तहत आरोपित होने वाले पहले व्यवसाय प्रमुख बन गए हैं। उन्हें इस शहर की एक अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 ठीक है के तहत एक अपराधी घोषित किया। तो किसने किया, मुंबई ने। कौन से अधिनियम के अधीन किया है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के अधीन, ठीक है, उन्हें अपराधी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शहर में भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। तो भारतीय पैनोरमा जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संसदीय स्थायी समिति PSC ने सिफारिश की है कि केंद्र को इस आयोग के वैधानिक दर्जा देना चाहिए। किस आयोग के, SSC के आयोग, जो SSC है कर्मचारी चयन आयोग के वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इस राज्य द्वारा सरस्वती नदी के पुनरुत्थान और इसमें ताजे पानी के नियमित प्रवाह को बनाए रखने हेतु परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो ये किया गया है काम हरियाणा सरकार द्वारा। तो हरियाणा सरकार द्वारा जो है, हरियाणा राज्य द्वारा जो है सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए और उसके ताजे पानी के नियमित प्रवाह के बनाए रखने के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है हरियाणा राज्य द्वारा। राज्य में मलेरिया को मामलों में 80% गिरावट दर्ज की गई है, वो की गई है उड़ीसा राज्य में। जो मलेरिया के जो मामले हैं उसमें 80% की गिरावट मौजूद की गई है, दर्ज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय क्वेश्चन के बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्या। तो अंतर्राष्ट्रीय में हैनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार जापान देश का पासपोर्ट शीर्ष पर है। किस, कौन से देश का पासपोर्ट जो है शीर्ष नंबर पर है, यानी कि नंबर वन है, वो है जापान देश का हैनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार, ठीक है। पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन इस देश में किया गया, किस देश में किया गया भाई, पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन वो किया गया उज्बेकिस्तान में। ओके, मंत्रालय के उन्नत मॉडल एकल खिड़की के विकास के लिए भारत और इस देश के बीच MOU को स्वीकृति दी। तो ये दी गई है जापान को, किस देश को दी गई है, जापान को, भारत के उन्नत मॉडल एकल खिड़की के विकास के लिए भारत और जापान के बीच जो है MOU साइन किया गया। ओके, नेक्स्ट है, भारत और डेनमार्क के बीच समुद्री मुद्दों के बारे में समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय में। सभी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और चैनल सब और जो वीडियो है इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोगों तक ये जो क्वेश्चन है वो पहुँच जाए। और अगर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, उस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और पाकिस्तानी कार्यकर्ता का नाम जिन्होंने जनवरी 2019 में BR डिस्प्लेस नामक नई पुस्तक लिखी। तो ये किसने लिखी है, मलाला यूसुफ जई ने। मलाला यूसुफ जई को जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्पेस एजेंसी का नाम दे जिसने सौर मंडल के बाहर एक नए ग्रह की खोज की है। तो ये कौन सी स्पेस एजेंसी, ये है NASA। इन्होंने जो है यह ग्रह पृथ्वी से 53 प्रकाश वर्ष दूर रेटिकुलम तारा मंडल के सूर्य के समान चमकीले ड्वार्फ कोने तारे का चक्कर लगा रहा है। तो ये किसने दी है, ये जो खोज जो है वो किसने की, इस ग्रह की, NASA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाबहार बंदरगाह
के एक हिस्से का संचालन भारत करेगा। यह बंदरगाह जिस देश में है उस देश का नाम, तो जो चाबहार बंदरगाह है वो है ईरान में। तो इसके एक हिस्से का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019 का आयोजन अमेरिका के जो है कैलिफोर्निया शहर में हुआ। ठीक है, कहाँ किया गया, कैलिफोर्निया शहर में, अमेरिका के गोल्डन ग्लोब अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं खेल जगत की ओर। खेल से जुड़े हुए जो करेंट अफेयर्स हैं वो तो सभी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। हॉकी इंडिया में पुरुष टीम के कोच को पद से हटा दिया गया, इनका नाम है, तो किस जो किसको हटा दिया गया, हरेंद्र सिंह जी को जो है पुरुष टीम के कोच के पद से हटा दिया गया। ठीक है, हॉकी का एक टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप का आयोजन इस माह में किया जाए, कब किया जाएगा, सुल्तान अजलन शाह कप का आयोजन जो है मार्च 2019 में किया जाएगा। पिंकी जांगड़ा और मनीषा मोन इस खेल से संबंधित, ये हैं मुक्केबाजी से संबंधित। इस खिलाड़ी ने अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया, तो मोहम्मद साला जो मिश्र के हैं उन्होंने जो है अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट लेते हैं, इस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू किया गया, तो कहाँ किया गया, पुणे में। पुणे में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सेकेंड संस्करण, सेकेंड एडिशन जो है वो शुरू किया गया। दक्षिण अफ्रीका के इस क्रिकेटर ने 9 जनवरी को क्रिकेट से के सभी प्रकार के गेम्स जो है उनसे संन्यास ले लिया है, तो इसका आंसर है, तो जो सभी प्रारूप से संन्यास लिया वो है एलवी मार्कल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिडनी और ब्रिस्बेन को इस वर्ष में 15 मिलियन डॉलर के एटीपी कप की मेजबानी सौंपी गई, तो 2020 में, किस वर्ष में, 2020 में जो है सिडनी और ब्रिस्बेन को जो है 15 मिलियन डॉलर की एटीपी कप की मेजबानी सौंपी गई है। जो मिश्र देश है वो 2019 अफ्रीकी कप की मेजबानी करेगा। कौन करेगा 2019 अफ्रीकी कप की मेजबानी, मिश्र करेगा। विराट कोहली जो है भारतीय क्रिकेटर ने दो वर्ष 2018 में कुल 2735 रन बनाकर जो लगातार तीसरे साल का एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले जो है भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, विराट कोहली। हिमाचल प्रदेश पुलिस को की रानी लेडी हेड कांस्टेबल ने 6 जनवरी को विशाखापट्टनम में सीनियर राष्ट्रीय महिला जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता, हिमाचल प्रदेश पुलिस की रानी लेडी हेड कांस्टेबल ने। ओके, 6 जनवरी को विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, भारत में 71 साल बाद इस देश के खिलाफ उसी की धरती पर पहली टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की, तो किस देश के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया में ही 71 साल के बाद जो है भारत ने जीत दर्ज की है भाई, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट है, इस क्रिकेटर यानी किसको, चेतेश्वर पुजारा को भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम व्यक्ति विशेष की तरफ। तो अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाले जो संवैधानिक पीठ से हटने वाले जस्टिस का नाम है जस्टिस यू ललित। ये जो है जो अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो ये जो है इसकी संवैधानिक पीठ से जो है ये हट गए। गोल्डन ग्लोब 2019 अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है वो उससे सम्मानित थे वो कौन है, रामी मालिक। गोल्डन ग्लोब 2019 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है वो ग्लेन क्लोज को मिला। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, नंदन नीले कणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत जनवरी 2019 में पहली बार भारत की यात्रा करेंगे, इनका नाम है जलमय खलील जाद। इनका नाम क्या है, जलमय खलील जाद। भारत में जन्मी उस अर्थशास्त्री का नाम दे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर नियुक्त किया गया, तो गीता गोपीनाथ को जो है मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में।
फिल्म निर्माता, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म निर्माता बिमल राय की 52वीं यानी 52वीं पुण्यतिथि पर भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख और दिवंगत इसने अभिनेता को बिमल राय मेमोरियल एंड फिल्म सोसाइटी की ओर से सम्मानित किया जाएगा, तो किसको किया जाएगा? फारूक शेख। ग्लोबल सोलर काउंसलिंग के प्रमुख बनने के वाले भारतीय पहले भारतीय का नाम प्रणव और आर मेहता है। जो प्रणव आर मेहता है वो किसके प्रमुख बन गए? ग्लोबल, वो बन गए ग्लोबल सोलर काउंसलिंग के प्रमुख। ग्लोबल सोलर काउंसलिंग के प्रमुख कौन बन गए हैं? प्रणव आर मेहता। नेपाल में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने पदभार संभाला, किसने संभाला? चौलेंद्र राणा ने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदभार संभाला। भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी चेयरमैन के रूप में जो है जस्टिस ए के सिकरी को नियुक्त किया गया। किसको किया गया? जस्टिस ए के सिकरी को भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया। एसएसबी के नए महानिदेशक जो हैं कुमार राजेंद्र चंद्र, सॉरी कुमार राजेश चंद्र, जिनकी नियुक्ति कब होनी? जनवरी 2019 में की गई है। किसकी की गई? कुमार राजेश चंद्र की। एसएसबी के जो है नए महानिदेशक बने हैं। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन के तौर पे जो है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में, आप चाहें तो देख सकते हैं, विनोद कुमार यादव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे वालों के लिए, क्योंकि नए जो चेयरमैन नियुक्त किए गए वो किए गए विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट, जनवरी 2019 के पहले ब्राज़ील के लिए के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली, किसने ली? जनवरी 2019 के पहले ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में चेयर जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, आयुष निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? सौरभ कुमार को। सौरभ कुमार को आयुष निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं बैंकिंग से जुड़े कुछ क्वेश्चंस। विश्व आर्थिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष तक भारत का उपभोक्ता बाजार में अमरीका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा। 2030 तक भारत का जो उपभोक्ता बाजार है वो अमेरिका और चीन के बाद थर्ड नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, भारत के इस पड़ोसी यानी किसने? श्रीलंका ने। भारत के जो श्रीलंका है पड़ोसी देश के सेंट्रल बैंक को आरबीआई से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का स्वैप दिया जाएगा। सरकार ने जो है ईरान के एक बैंक पसरगढ़ बैंक को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी है। जो भारत सरकार ने जो है ईरान के एक बैंक जिसका नाम क्या है पसरगढ़ बैंक, उसको जो है मुंबई में जो है अपनी एक ब्रांच खोलने की अनुमति दे दी है। जनवरी 2019 में जीएसटी काउंसलिंग की बैठक जो है वो किसके द्वारा की गई? अरुण जेटली जो हैं उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई जीएसटी की काउंसलिंग। विश्व आर्थिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत का उपभोक्ता बाज़ार अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर हो जाएगा। ये अभी हमने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 जनवरी को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जिनकी अध्यक्षता में कुछ स्तरीय समिति गठित की है उनका नाम है, उनका नाम है नंदन नीले कड़ी। जनवरी 2019 में भारतीय सेना और जो पीएनबी बैंक है इनके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विश्व बैंक के उस अध्यक्ष का नाम, तो विश्व बैंक के उस अध्यक्ष का नाम क्या है? जिम योंग किंग ने जो है 1 फरवरी से पद छोड़ने की घोषणा की है। विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है? जिम योंग किंग है ना, तो वो 1 फरवरी से जो है पद छोड़ने की उन्होंने जो है घोषणा कर दी है। सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और किस बैंक को RBI RRB से सम्मिलित कर दिया है? तो ये है सतलुज ग्रामीण बैंक। जो सतलुज ग्रामीण बैंक है उसको पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक के साथ जो है सम्मिलित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBFC और उस बैंक का नाम दे जिसने मिलकर अगले 15 वर्ष के कार्यकाल के लिए MSME को ऋण प्रदान करने के लिए साझेदारी की। तो ये की गई ICICI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है,
सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। देखिए सभी क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चंस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं और भी लोग इनके थ्रू जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, सेना वायु रक्षा दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब की गई? तो 1994 में जो है वो सेना वायु रक्षा दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका जो है, अमेरिका देश विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। यहाँ पे हमने पढ़ा ना अमेरिका, चीन और थर्ड नंबर पे जो है इंडिया आने वाला है। तो जो विश्व आर्थिक फोरम की जो रिपोर्ट है, उन्होंने ये उनके अनुसार ये कहा गया है कि जो अमेरिका है विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को यह दिवस मनाया था। तो 10 जनवरी को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में पसरगण बैंक, जो अभी हमने बताया था ना, अभी पढ़ा हमने, तो यह देश का किस देश का बैंक है? तो ईरान का बैंक है। इसका जो है कहाँ पर ब्रांच खोलने की परमिशन दी गई है? मुंबई में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का नाम थे जिन्होंने 9 जनवरी को एलिजा किट्स जारी की? तो ये है राधा मोहन सिंह। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री का नाम पता होना चाहिए हमें, मेनका संजय गांधी। भारतीय सेना के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ का नाम जनरल बिपिन रावत है। भारतीय सेना के प्रेजेंट टाइम में चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। पीएनबी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम सुनील मेहता है। पीएनबी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत का मानव अंतरिक्ष यान गगनयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा 2022 में जो है, भारत का मानव अंतरिक्ष यान गगनयान लॉन्च होगा 2022 में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना हुई थी 2008 में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।